अबे ये दो दो पेंट्री क्यों? भैया ये छोटा पैकेट हम तीनों के लिए है और ये पहाड़ सांडू मामा के लिए डॉट 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 डॉट। आज हम उनके लिए 10 किलो बिरयानी बनाएंगे, फुल 10, मतलब फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है, मैं आलू धोने जा रहा हूँ। हम लोग स्टार्टर्स में 5 किलो आलू के पकौड़े रखेंगे और डिनर के बाद मीठे में 5 किलो लड्डू का जुगाड़ ऑलरेडी हो चुका है। अरे वाह। वैसे भी आज ज्यादा हंसने की वजह से मामा जी को जरूरत से ज्यादा भूख लगी होगी। टेंशन टाइट, व्हाट अ हॉरिबल साइट। मामा जी तो पहचान में नहीं आ रहे। हाँ भैया, रास्ते में ना मामा जी को देखकर छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे ये कौन सा समुद्र का जानवर आ गया। मामा जी, आपकी ये हालत हुई कैसे? कश्मर भैया, लोग साबुन से धोते हैं, मामा को साबुन नहीं धो दिया। चुप करना। हाँ, अरे भांजो, दुकान पे नकली साबुन से नहाया इसलिए ये खुजली हो रही है। नकली साबुन? एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया, हमारी दुकान पे नकली साबुन कहाँ से आया? क्वेश्चन मार्क। लगता है वो डीलर हमें गड़बड़ माल सप्लाई कर रहा है, हमें डीलर बदलना होगा। भैया, शुक्र है मामा जी के खरोंचों के निशान पूरी तरह लाल नहीं है, वरना मामा जी खुद की और भी ज्यादा टेंशन टाइट कर लेते। मामा जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एंटी एलर्जी की एक दवाई दे देता हूँ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और मामा जी, उस चाचा चकली का क्या हुआ? आप देखकर उसके होश उड़ गए कि नहीं? हाँ, उसके तो होश ही उड़ गए होंगे, इसलिए तो घी लिए बिना ही ऑफिस चला गया और बोला है कल ऑफिस आएगा। हाँ, वो तो सांडू मामा खुजली करने में बिजी हो गए बिजी, वरना सांडू मामा उसको आए अपना दम दिखाई देते, है ना मामा? दम दिखा देता उसे। वैसे मुझे नहीं लगता कि चाचा चक्री दोबारा आएगा। अरे मामा जी को देख के जिसका तेल निकल गया हो वो भला घी लेने क्या आएगा। अरे अपने मामा जी को देखकर चाचा चक्री को चक्कर आ रहे होंगे। हाँ, अब देखना भैया, कल सांडू मामा चाचा चक्री को बकरी बना देंगे बकरी, है ना मामा? एनर्जी की वजह से बाजू में बिल्कुल दम नहीं है, खुजली आ रही है। बाऊजी राम राम, कैसे हो? बाऊजी, आपको पता है भगवान जी की दया और मामा जी की अनुकंपा से हमारा बिजनेस एकदम टनाटन चल रहा है, एकदम टनाटन। कल ही की बात है बाऊजी, हमारी बिक्री हुई थी 1210 रुपए, 1210। हाँ, वो भी कैश। अब जो भी ग्राहक आता है ना बाऊजी, तो हम पहले मामा जी के दर्शन करवाते हैं, फिर सामान दिलवाते हैं। हाँ बाऊजी, हमारा तब एक यही नारा है, आज नगद कल उधार, यही है चिड़िया घर के संस्कार। हाँ
me, क्या आप दुकानदार हैं? आप ये बात बोल के भी तो बता सकते थे। माफ कीजिए, आप बोल तो पाते हैं ना? Oh my God, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? चाची, हमारे सांडू मामा बचपन से ही ऐसे हैं। जब भी देखते हैं हसीना, इनको आ जाता है पसीना। दो रुपए की टॉफी और 3 रुपए की च्युइंगम दो और 5 रुपए वापस। हे राम, हम तो बड़े संकट में फंस गए चाची। छुट्टी की बड़ी समस्या है। एक काम करते हैं, 3 रुपए की टॉफी और 2 रुपए की च्युइंगम दे देते हैं, ठीक है? तब छुट्टे हो जाएंगे। ये बेवकूफ है क्या? ये गधा प्रसाद है। दोनों एक से बढ़कर एक है, दे दो। और ये 5 रुपए वापिस। दुकान पे आती रहे ना। गधा प्रसाद, वो महिला चली गई क्या? सांडू मामा, महिला तो चली गई, लेकिन हिला हुआ प्राणी आ रहा है। प्राणी कौन? चाचा चक्री। चाचा चक्री आ रहा होगा घी लेने के लिए, बेवकूफ कहीं का। चंदा मामा। हाँ धर्मपत्नी जी, मैं गधा धरना स्टोर पर पहुंच गया हूँ। अरे आप मेहमानों को बैठाइए, मैं आटा लेकर बस आ रहा हूँ। कल मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देखो तुम्हें डबल मजा चखाता हूँ। आओ चाचा आओ। कैसे हो सांड मामा? हाँ ठीक हूँ चाचा चक्री। अरे गधा प्रसाद, मेरे घर पे ना बहुत सारे मेहमान आए हैं और मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए। सामान तो दे देंगे चाचा, लेकिन हम उधार नहीं देते। हाँ अरे गधा प्रसाद, कैश पेमेंट करूँगा। तो ठीक है। क्या चाहिए चाचा चक्री? मैं कुछ ज्यादा नहीं, 50 किलो आटा दे दो। कितना? 50 किलो? हाँ मामा, प्रॉफिट को वेलकम और घाटे को टाटा। 50 किलो आटा। क्या भैया? ठीक है। अरे गधा प्रसाद, 50 किलो आटे की बोरी निकलवा कर वो चाय की दुकान के पास पहुंचवा दोगे क्या? मैं, मेरा भतीजा आ ही रहा है गाड़ी लेकर। मामा जरा 50 किलो आटे की बोरी चाय की दुकान पे पहुंचा देना प्लीज। मामा बिजनेस कैश पार्टी है, कैश पार्टी। ठीक है। हाँ धर्मपत्नी जी, बोलिए। क्या मेहमान रोटी के बदले चावल खाना चाहते हैं? ओ ठीक है ठीक। अरे गधा प्रसाद, अब 50 किलो आटा नहीं, अब 50 किलो चावल भिजवा दो। ठीक है मामा। ओ सांडू मामा। हाँ गधा प्रसाद। अभी आटा कैंसिल, वापिस आ जाओ। 50 किलो चावल जाएंगे, चावल। अच्छा ठीक है, आता हूँ।
अब क्या हो गया? हाँ धर्मपत्नी जी, क्या मेहमानों का हलवा खाने का मन कर रहा है? अच्छा ठीक है। अरे गदा प्रसाद, वो चावल नहीं चाहिए, क्या है ना मेहमानों का हलवा खाने का दिल कर रहा है, 50 किलो शक्कर भिजवा दो। शक्कर? हाँ ठीक है। मामा, मामा! अब क्या हुआ गदा प्रसाद? वापिस आ जाओ, चावल कैंसिल। अभी चाची के मेहमान हलवा खाएंगे, हलवा। अभी 50 किलो शक्कर जाएगी। शक्कर? अरे हमें आएंगे अब चक्कर। अब क्या है चाचा? हमारे मुंह बोली धर्म चाची से एक बार फिर कंफर्म कर लो, शक्कर फाइनल है ना? अरे ये ठीक कहा तुमने गदा प्रसाद। हाँ धर्म पत्नी जी, शक्कर कंफर्म है ना? ठीक है ठीक है। अरे गदा प्रसाद, क्या हो गया चाचा? धर्म पत्नी जी कह रही हैं मेहमान थोड़ा खाने को लेकर कंफ्यूज है। आप ऐसा करो, आटा शक्कर और चावल तीनों भिजवा दो। आप ऐसा करो, आटा शक्कर और चावल तीनों भिजवा दो। चांडू मामा, तीनों सामान ले जाओ, 50-50 किलो। तीनों मतलब 150 किलो? इतना उठाऊंगा तो मैं खुद ही उड़ जाऊंगा। मामा आप कोई मामूली मामा नहीं है, आप सांडू मामा। सांडू मामा, आप 50 किलो क्या, आप 1500 किलो उठा सकते हैं। मामा हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? हम है ना, पहले यहाँ पे आ जाओ। पहले वो वाली उठा लो। मामा घबराना नहीं, हम हैं ना। शाबाश, देखा सांडू मामा, हमारी मदद से आपने 150 किलो उठा लिया। मामा अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता मामा? अब जाओ, चाची इंतजार कर रही होंगी। हलवा बनेगा हलवा? हाँ अब ठीक है। प्रसाद कितने हुए आपके? 450 रुपए। क्या? नहीं नहीं एक मिनट, आपके हो गए 4500 रुपए। अच्छा हाँ। गदा प्रसाद मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपए हैं, वो क्या है ना मैं आटा लेने आया था, बाकी के 2500 रुपए मैं कल दूँ तो चलेगा? देखो चाचा, हम उधार नहीं करते, हमको बेवकूफ समझा क्या? पैसे तो पूरे ही देने होंगे। हाँ पहले पैसे फिर सामान। देखो गदा प्रसाद मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। सांडू मामा! अब क्या हुआ गदा प्रसाद? वापिस आ जाओ, डील कैंसिल। ठीक है हम आते हैं। Get a boo! Get a boo!
गदा प्रसाद, कल फिर आऊंगा। चाचा चक्री नाम है मेरा, नाम याद रखना मेरा। हमको याद है चाचा चक्री। दम है गदा प्रसाद, तुझमें बहुत दम है। हम में भी दम है मामा। कपी देखा चोपड़ा साहब, इसे कहते हैं शॉट। शॉट बहुत बढ़िया था, अब आप ही जाके बॉल लेके आ। चलो ठीक है। किसने मारा मुझे? किसने मुझे मारा? शीला। कोटक बाबू मर गए, शीला को बॉल लगी है। खबरदार कोई भी आगे बढ़ा तो। अरे मुझे माफ कर दे मेरी माँ। बिल्कुल नहीं, हिम्मत है तो सामने आओ। तुमने जानबूझ के मेरे सिर पे बॉल मारा है। क्या मतलब मेरे पीछे आप मोहल्ले की औरतों को बॉल मारते हैं? अरे मम्मी की मुर्गी कैसी है? मुर्गा मुर्गा तो मैं बनाऊंगी आपका। वो इस उम्र में क्रिकेट खेलता है भला? और हाँ खेलते भी है तो इसे सिर पे बॉल मारता है क्या? शीला बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप बोलती हो तो माफ कर देती हूँ, वरना ये लीजिए। अब चलो बहनों। वेलकम बैक भाभी। सब अंदर चलिए। अंदर तो सब ठीक है ना? जोर लगा के। अंदर तो ठीक है लेकिन बाहर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मामा मामा जी तो रिटायर्ड हेड हुए पड़े। अबे इतनी बड़ी ट्रेन पटरी से उतर कैसे गई गधा प्रसाद? भैया सांडू मामा को ना आटे चावल का भाव मालूम पड़ गया। यार लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो चाचा चक्री आया था सामान लेने के लिए, तो उसका सामान उठाते उठाते भैया कहीं चाचा चक्री दुकान पे इन दोनों के साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? कस्टमर For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.